सूर्य शिरोमणि आज्ञाकारी दशरथ नंदन संयम धारी प्रीत सदा से चलती आई प्यारे प्राण पर वचन न जाई ऐसे उत्तम कुल के राजा दशरथ जी अनधन लुकावे राजा दशरथ जी अनधन लुकावे अरे माता लुकावे धेनु गैया अवधपुर में बाजे बधैया सबकी आँखों के तारे राम जी लगते प्यारे प्यारे राम जी ये भवसागर की रखवैया अवधपुर में बाजे बधैया बाजे बजैया जश्न का माहौल है तहसीन सवाल फिर यही है शुभ मुहूर्त है मंगल बेला है इस सब चीजें अवॉइड की जा सकती है ना कुछ देने के लिए तहसीन क्योंकि होना कुछ है नहीं टाला जा सकता नहीं है और वैसे भी शुभ मुहूर्त टालने की कोशिश की जा रही है मंदिर निर्माण जी न्यूज में तो देखिए मंदिर बन भी गया दोबारा से अमन भाई बहुत बहुत बधाई आपको और जी न्यूज के सभी दर्शकों को और जो सेट बनाया बेहद खूबसूरत आपने बनाया लेकिन देखिए एक चीज है मैं मुहूर्त के बारे में पहले भी कहा ज्यादा नहीं जानता हूँ लेकिन जो जानता हूँ वो ये है कि इस वक्त कोविड की जो हमारे पे संकट आई हुई और अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री उनको कोविड हो चुका है 3 दिन पहले प्रधानमंत्री वजीर आजम मोदी जी उनके साथ थे तो क्या मोदी जी को अपने आप को आइसोलेट नहीं करना चाहिए कोई भी होता तो आइसोलेट होते तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मैं राम मंदिर पे कभी भी प्रश्न उठा रहा हूँ मैं मोदी जी भी प्रश्न उठा रहा हूँ अगर मोदी जी जिम्मेदारी से बिहेव नहीं करेंगे तो राम जी के प्रतिनिधि कैसे बनेंगे राम तो जिम्मेदारी के एक प्रति थे बहाने बहुत है ना हथकंडे बहुत है कोविड भी बहाना है कोविड भी बहाना है अमित शाह जी का कोविड भी बहाना है ये आप ये कह रहे हो क्या आप ये कह रहे हो आप नहीं तो कोरोना जब तक खत्म ना हो भूमि पूजन ना हो कब तो खत्म होगा बता सकते हैं मोदी जी उनके साथ थे नहीं मोदी जी उनके साथ थे मंदिर नहीं बनने से कोरोना खत्म हो जाएगा मोदी जी ना जाने से मंदिर नहीं बनेगा तो ये तो मोदी जी का संकल्प है 29 साल पुराना संकल्प उनकी प्रतिज्ञा आप चाहें तो मंदिर ही ना बने आपकी चलती तो मंदिर ही ना बनता भूमि पूजन कर दे भाई ये पता है आप तुलना करिए तहसीन मंदिर नहीं बनेगा तो कोरोना खत्म हो जाएगा
मोदी जी ना जाने से मंदिर राम नहीं मंदिर, बनेगा, राम मंदिर से कोरोना बढ़ेगा। मोदी जी 1866 में थे जब मंदिर की लड़ाई शुरू हुई निर्मोही अखाड़ा द्वारा। मोदी जी ना जाए, एक उदाहरण सेट करें। राम जी क्या करते थे? उदाहरण सेट करते थे, इसीलिए राम राज्य खुद उदाहरण सेट करते थे। मोदी जी नलिन बोली फिर से पर मुझे एक बात पर आपत्ति दर्ज करनी है तहसीन। हाँ जल्दी से, उसके बाद नलिन कोहली सामने आपकी आपत्ति इस बात की है। तहसीन ने इस चीज को, ये जो ये हम जहाँ बैठे हैं इस दरबार को, उन्होंने सेट कहा। देखिए जो फिल्मी एक्टिंग करते हैं, जो हिंदू होने की एक्टिंग करते हैं, उनके लिए सेट है। जहां रामलला विराजमान वो बनता है दिव्यता का स्थान। ये दिव्यता का स्थान है, ये साक्षात यहां पर राम जी भी हाजिर है और उसको सेट बोल रहे हैं क्योंकि इनका राम के किरदार में एक्टिंग करने वाले, राम भक्ति के किरदार में एक्टिंग करने वाले राहुल गांधी ठीक है, हिंदू की एक्टिंग करते हैं। मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले अब नलिन कोहली, मोदी जी को नहीं जाना चाहिए भाई, एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। कोरोना काल चल रहा है, दिग्विजय सिंह तो यहां तक कह रहे हैं आप लोग जाएंगे वहां पर कोरोना फैलाएंगे अयोध्या में। इस स्तर तक भी पहुंच रहे हैं हम लोग डिबेट में। हुआ भी है वो भी रहा है कि कांग्रेस पार्टी और उनसे जुड़े जितने लोग हैं धन के सिवा और कुछ इस मार्ग में डाल रहे हैं। प्रश्न उन्हें भी क्यों करना चाहते हैं, काल जो है उचित नहीं है, मोर उचित नहीं है, आप प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं, आप प्रधानमंत्री कोरोना काल में क्यों जा रहे हैं। अरे यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनता है, वहां पर कई लोग रहेंगे, सब जो है प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का इन सब से कोई लेना नहीं। कांग्रेस का है कि किसी ना या उनसे जुड़े लोग किसी ना किसी तरह और इसमें देख जाए। 500 साल तो रुके, 70 साल इस देश को बने हुए हो गए और इस 70 साल में विजन के सिवा क्या था? अब जब शुरू एक मुहूर्त आ रहा है, जब तहसीन जी कहते हैं बधाई है, तो फिर इन प्रश्नों को उठाकर क्या ये संदेश नहीं भेजना है कि कांग्रेस या उनसे जुड़े लोग चाहते हैं कि यार राम मंदिर ना बने या यहाँ पर विघन ही विघन आए? नहीं, लेकिन उनकी भी समस्या थोड़ी हम लोगों को समझनी होगी। वो कुछ कर नहीं सकते हैं तो थोड़ी सो हमको उनकी समस्या मेरे ख्याल से हम लोगों को समझनी होगी। उन पर थोड़ा तरस तो आपको भी आना चाहिए। आज उन्होंने जो 70 साल लटकाया, अटकाया, भटकाया, आखिरकार भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, गगनचुंबी 161, तो थोड़ा दर्द तो होगा ना नलिन कोहली साहब? वो कैसे जश्न का हिस्सा बन जाएंगे? राम विरोधी है तो आपको समझना पड़ेगा। आप जो आकलन कर रहे हैं अमित, इसमें काफी कुछ लगता है कि ये सही भी हो सकता है। और अगर कांग्रेस पार्टी और उनसे जुड़े लोग बाकी ही दिल से खुश होते, खुशी से चाहते कि भव्य मंदिर जल्द से जल्द बने, तो शायद इस प्रकार की प्रश्न नहीं। वो भी तब नलिन कोहली, वो भी तब जब कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वाले भी जश्न का हिस्सा है ना अनुराग भदौरिया? देखिए मैं, आप मेरी बात को नहीं समझ पाए थे जो मैंने आपको बोला था। मुझे लगता है थोड़ी समझ में फर्क है आपके। मैंने बोला था हिंदुस्तान संविधान और न्यायपालिका से चलता है और न्यायपालिका संविधान में जो हुक्म होता है वो जो अगर नहीं मानेगा तो वह हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। इसलिए जब न्यायपालिका ने बोल दिया कि वहां मंदिर बनेगा तो मंदिर भव्य बन रहा है, जब भव्य मंदिर बन रहा है तो आप प्रधानमंत्री जी को बुलाए, तो मैं तो कहता हूँ राष्ट्रपति जी को भी बुलाइए। तो आपकी दाद देता हूँ, अधिकार है जिसको, मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ अनुराग भाई। राष्ट्रपति जी तो देश के अनुराग भाई, मैं तो आपकी दाद देता हूँ, इसलिए मैंने तारीफ करी आपकी। कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वाले भी राम काज में साथ हैं। कमाल है, आप न्यायपालिका का अपमान कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका के पास ठीक है, एक कार सेवकों को भी हत्या करें, गोली चलाने वाले नहीं है, इन लोगों ने कार सेवकों की हत्या कर ली। वो अब क्लोज चैप्टर, लोगों को की पॉपुलेशन का केस न्यायपालिका। अच्छा विशाल पांडे, अच्छा एक तो विशाल पांडे, विशाल पांडे देखिए हम मर्यादा से डिबेट करेंगे आराम से, हम साक्षात मंदिर में। मैं आप पर चीखना नहीं चाहता अनुराग भाई, विक्रम आचार्य जी मैं इसलिए अनुराग भाई मैं चीखना नहीं चाह रहा, हम साक्षात मंदिर में हैं। मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, पहले तो मुस्कुराइए। अच्छा ये खीज नहीं, अगर खीज है भी तो अंदर रखिए, मुस्कुराइए। चीख नहीं रहा हूँ, मुस्कुराइए। चीखने क्या बात, मैं इतना पावन पावन अवसर है, मुस्कुराइए ना। अगर मैं गलत करूंगा तो न्यायपालिका मुझे, अनुराग भाई पावन अवसर है, मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी आई है, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, बोलिए जय श्री राम भैया। मैं तो आपके चेहरे पर खींच दिख रही है, बंधे हुए हैं, हमारा हाथ भी देख लीजिए, आपके हाथ बंधे हुए नहीं तो रोक देते मंदिर निर्माण। हाथ मंदिर में बैठे, आप लोगों के हाथ ही तो बंधे हुए हैं, वरना मंदिर निर्माण भी रोक देते आप। चलिए विशाल पांडे, उसके बाद शहजाद में आपके पास आ रहा हूं। विशाल पांडे मानने वाले लोग हैं, विशाल 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 विशाल, क्योंकि ये खबर है कि राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान अशोक सिंघल के योगदान को भी याद किया जाएगा। विशाल उनके परिवार के लोग भी रहेंगे? बिल्कुल, देखिए
अमन, अगर राम मंदिर आंदोलन को कोई एक शख्स सबसे पहले खड़ा करने वाला था तो वो अशोक सिंघल थे। अशोक सिंघल ने ही 1984 में सबसे पहले अयोध्या के साधु संतों को एकजुट कर राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की थी। महंत अवैधनाथ को राम मंदिर आंदोलन का कार्यभार सौंपा था। रामचंद्र परमहंस को उन्होंने महंत अवैधनाथ के साथ मिलाकर एक श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन किया था, जिसका अध्यक्ष महंत अवैधनाथ को बनाया था, जो कि योगी आदित्यनाथ के गुरु थे। और अब उन्हीं अशोक सिंघल को याद किया जाएगा, क्योंकि उनके बिना यह काम संभव नहीं हो पाता था। और इसीलिए जो जी न्यूज के पास जानकारी है उसके मुताबिक 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भूमि पूजन करेंगे तो उस वक्त मुख्य यजमान के तौर पर अशोक सिंघल के परिवार से महेश भागचंदका और पवन सिंघल को बुलाया जाएगा, जो कि मुख्य यजमान की भूमिका में रहेंगे। मुख्य यजमान का मतलब यह होता है कि आचार्य और पंडित जो भी विधि विधान से पूजा पाठ कराते हैं किसी भी शुभ काम से, वो सारा पूजा पाठ वही मुख्य यजमान करता है। और आप देखिए, ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है अशोक सिंघल को, जो जिनकी वजह से आज राम मंदिर आंदोलन खड़ा हुआ और राम मंदिर बनने जा रहा है, तो उनके परिवार के सदस्यों को मुख्य यजमान बनाया गया है। बिल्कुल विशाल, उनको सच्ची श्रद्धांजलि है, अशोक सिंघल जी को सच्ची श्रद्धांजलि, और उन कार सेवकों को भी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी श्री राम मंदिर निर्माण के लिए, उन कार सेवकों को भी ये सच्ची श्रद्धांजलि है। बोलिए अब आचार्य विक्रमादित्य, उसके बाद शहजाद मैं आपके पास आ रहा हूं। बोलिए आचार्य, कहने का मतलब यह है कि इस वक्त पूरे भारतवर्ष को एक हो जाना चाहिए। ये संवैधानिक जीत है, कानून की जीत है, किसी की इच्छा से मंदिर नहीं बन रहा है, ये संविधान के अनुसार से बन रहा है। एक मंदिर जब विध्वंस किया था वो तलवार के बल पे किया गया था, कलंक का विध्वंस जब हो चुका है, अब स्वाभिमान के निर्माण में, भारत वर्ष के स्वाभिमान, भारत का संविधान जो है वो भी राम को प्रणाम करता है, राम की इच्छा के अनुसार, राम को वहां पर साक्षात प्रतीक मानता है। अगर संविधान को नहीं मानते, कानून को, देखिए इस तरह की चर्चा ना मुझे लगता है पुरानी हो गई, सारे राम भक्त हो गए, जो राम को काल्पनिक बोलते थे वो भी सनातन पर ज्ञान दे रहे हैं। भक्त नहीं है, ये बगुला भगत है, बगुला भगत बन गए हैं सब, ये बगुला भगत हो गए हैं, मुंह में राम बगल में छुरी लेके चल रहे हैं। बेनीवाल जी, अमन जी देखिए, अमन जी मैं नहीं, एक लाइन में इसको साफ कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ जो अशुभ घड़ी की बात करे, मुझे लगता है कि उनके लिए अशुभ घड़ी आ चुकी है, मुझे लगता है, ऐसा लगता है। अब देखिए इसके लिए मंगल बेला है, मंगल बेला की बात करें, जरा भजो रघुपति राघव राजा राम, भजो पतित पावन सीताराम, भजो रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, अवध बिहारी राजा राम, अवध बिहारी राजा राम, दशरथ नंदन राजकुमार, अवध बिहारी राजा राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आचार्य जी, आचार्य जी आप भी बोलिए जल्दी से। एक चीज आपको बता दें, निर्णय सिंधु ज्योतिष की पुस्तक है, उसमें सतभिका नक्षत्र विवाह मुहूर्त सब में लिया गया है। पूरे कांग्रेस पार्टी का जो भारत के लोग हैं जिसको विश्वास नहीं है, निर्णय सिंधु खोल के देख ले, उसके श्लोक भी है, सतभिका नक्षत्र में मुहूर्त है, अभिजित में मुहूर्त है, लग्न में मुहूर्त है, चौघड़िया में मुहूर्त है, और पूरे भारत की परंपरा को, सनातन धर्म को ज्योतिषी होने के नाते मैं पूरे भारत के ज्योतिषियों के या किसी पार्टी के व्यक्ति के साथ खुद तर्क करने के लिए तैयार है कि जी न्यूज पे बैठ के कहीं प्रमाण दे दे, मैं उनको 1000 प्रमाण देने के लिए तैयार है कि 5 तारीख को मुहूर्त है। नहीं, वो प्रमाण की मेरे ख्याल से। अमन जी, दरअसल प्रॉब्लम क्या है, राहु काल नहीं है, राहुल काल है, ये राहुल काल की समस्या है। अब राहुल गांधी को वोट नहीं मिल रहे, राहुल गांधी की राजनीति खत्म हो गई, और जो दुकानदारी चल रही थी हिंदू मुस्लिम की, ओवैसी साहब की, समाजवादियों की, वो तमाम खत्म हो गई, तो राहुल काल आया है। अच्छा, एक ही चीज बोलूंगा अनुराग जी, देखिए कुर्ते से लेकर विचारधारा में तो वोट बैंक की राजनीति आपकी झलकती ही है, 5 तारीख को कम से कम अपना नया कुर्ता निकाल देना, ये कुर्ता बड़ा पुराना हो चुका है, अब 5 तारीख को जय श्री राम बोलेंगे तो वो वाला कुर्ता भी जचना चाहिए। भगवा, भगवा, मतलब उस कुर्ते और विचारधारा दोनों में वोट बैंक की राजनीति की बू नहीं आनी चाहिए, मेरा ये कहना है। पहनेंगे ना नया कुर्ता, पहन लेंगे। दिक्कत ये है कि आपको कलर में राजनीति दिखाई पड़ती है, आप भी तो वही, अरे सर आप तो वो है कि सब्जियों को भी बांट दे, आप कह दे कि गाजर, आप कह दे गाजर हिंदुत्व एजेंडा चला रहा है, और आप कह दे ककड़ी जो है बड़ी सेक्युलर,
सेक्युलर है आपके मन में जो है वो हम ये तो आपने किया आपके लिए शेर सेक्युलर हो गया लायन कम्युनल हो गया आपके लिए गाजर कम्युनल हो गया और ककड़ी आपके लिए सेक्युलर हो गई आपके लिए गाय कम्युनल हो गई बकरी सेक्युलर हो गई आपके लिए राम कम्युनल हो गए अल्लाह आपके लिए मोहम्मद आने की आदत है ये तो आपकी राजनीति है सर की समस्या हो सकती है पत्थर दिल की हमारी नहीं है तो हरियाली है हम शांत भाई आप भेजवा हम हमेशा शांति चाहते हैं भगवा रंग का आपके लिए मैं आपको भगवे रंग का नया क्रिस्प नया क्रिस्प भगवे रंग का एकदम नया नया फैब इंडिया का कुर्ता भेजूंगा एकदम बढ़िया एकदम भगवे रंग का बहुत ही अच्छा रंग का रहेगा केसरिया रंग का होगा जरूर पहनना जय श्री राम भी बोलना और पहन लेना मेरा इसमें कोई मेरी कोई गलती नहीं है इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने आजम खान बुरा नहीं मानेंगे और दिमाग आजम खान बुरा नहीं मानेंगे पहन लेना कि कलर से आप लोगों को अगर पहचानेंगे तब तो आप हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर देंगे हिंदुस्तान तो विभिन्न विभिन्न कलरों का देश है यहाँ पे जब तक भगवा आतंक कहने वाले आज बोल रहे कि रंग से कौन पहचान रहे भगवा आतंक तो इन्होंने ही कहा था अनुराग भाई एक मिनट अनुराग भाई परेशान क्यों है इतने ये भगवा पहन लेंगे तो कैसे हो जाएगा शहजाद भाई हो रहे हैं उनको कलर से भगवान नजर आ रहे हैं मैं उनसे कह रहा प्रभु के मंदिर में बैठे हो प्रभु कभी कलर से नहीं आते अरे आपने तो भगवे में आतंक ढूंढ लिया आपने तो जय श्री राम में युद्ध घोष ढूंढ लिया आपने तो भगवे में आतंक और जय श्री राम में युद्ध घोष ढूंढा था रामचरितमानस ये जो इकबाल अंसारी हैं प्रधानमंत्री को ये भेंट देंगे प्रधानमंत्री को रामचरित मानस भेंट देंगे हम कह रहे हैं ना सांप्रदायिक सौहार्द की सबसे बड़ी मिसाल अयोध्या का मंदिर निर्माण ये और राम नामी भेंट करेंगे रामचरित मानस भेंट करेंगे इकबाल अंसारी ये राम मंदिर का सबसे बड़ा इकबाल लेकिन खत्म नहीं हो रहे कांग्रेस पार्टी के सवाल है ना आचार्य जी लेकिन जश्न में डूबी अयोध्या कि मेरे श्री राम का दीदार बड़ा प्यारा है मेरे श्री राम का दीदार बड़ा प्यारा है राम बड़ा प्यारा श्री राम बड़ा प्यारा राम बड़ा प्यारा श्री राम बड़ा प्यारा है ओ मेरे श्री राम का दीदार बड़ा प्यारा है मेरे श्री राम का दीदार बड़ा प्यारा है राम बड़ा प्यारा श्री राम बड़ा प्यारा कटिले मोटे मोटे रसिले तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसिले दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हसीने दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हसीने प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है राम बड़ा प्यारा Yeah.
presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.